हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीलिमा ब्लॉग में। तो हम आज जा रहे हैं मेला जागृति श्री माकुड़ी में, और हम ले जा रहे हैं हमारे साथी हमारे मामू श्री को, और हमको जाना है माकुड़ी। तो बैठो माता जी, तो साथी चलते हैं, मिलते हैं आप सभी को, हम शिविर में दिखाएंगे, वहाँ पे महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ वहाँ महिलाओं का खेल भी होगा, उसको भी बताएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल यानी महिला जागृति शिविर पे, और यहाँ देख रहे हैं हमारे साथी लोग बना रहे हैं अतिथियों के लिए गुलदस्ता। और तब तक अतिथि आ जाए तब तक हमारी आंगनबाड़ी की नन्हे नन्हे ये बच्चे डांस कर रहे हैं, तो इनके डांस का भी मज़ा लेते हैं। और डांस का मज़ा लेते हुए हम करते हैं अपना काम, तैयारी करते हैं अतिथियों के आने के। जब तक के लोग नहीं आएंगे तब तक के हमारा ये कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, तो तब तक के चलिएगा हमारे साथ। और देखिए, ये है हमारा तिरंगा भोजन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज़, तो इसको रखने का भी एक महत्व है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है थाली में, दिखा आपको ये हरा सफ़ेद और पीला, यानी तीन कलर का तिरंगा भोजन जिसको कहते हैं, जिसमें हमारे भोजन में शामिल होता है तिरंगा भोजन दाल चावल सब्जी। तो हरा सब्जी में, हरा में रहेगा हरा सब्जी, और सफ़ेद में है आप लोग देख रहे हैं चावल, और पीला में है दाल। तो हमको अपने भोजन में तीनों चीज़ को लेना ज़रूरी है, ये हम बता रहे हैं इसके माध्यम से। हरी सब्जी, और देख रहे हैं ये है बैंगन, वाइट बैंगन लाई हुई है, जो खिखी खिखी दांत दिखा रही है हमारी बहन, वो लाई है ये सफ़ेद वाइट बैगन को। और केला लाई है जो दिखा रही है, ये हमारी साथी लाई है केला। तो चलिएगा बच्चों का डांस देख लेते हैं थोड़ा सा, और जब तक एकत्रित नहीं होते लोग तब तक कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों के डांस देखते ही अपना मन विश्राम करते हैं। चलो, स्कूल के बच्चे हैं, बहुत अच्छे से डांस करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डांस करके दिखाए हमको। आप लोगों को तो खैर मैं मेन ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा डांस करते हैं ये बच्चे लोग। आप लोग देख सकते हैं इनका एक्सप्रेशन, तो हम भी यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इन लोग के साथ। चलिए हम भी बच्चों के साथ घूम लेते हैं, जब तक कि कोई आया नहीं है तब तक के सब लोग मस्ती करें। आज के शिविर में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि खूब इंजॉय किए हैं हम लोग, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। बच्चे लोग के साथ साथ हम बड़े भी निकल पड़े नृत्य करने, और आज अपनी सारी मस्ती यहाँ पे कर रहे हैं डांस करके, गेम खेल के। तो आज हम गेम भी खेलेंगे इन लोग के साथ, मस्ती भी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, तो मज़ा आएगा। और अंत तक देखिएगा हमारे वीडियो को, अभी बहुत सारा चीज़ें बाकी है, बहुत सारा खेल करना बाकी है, बहुत कुछ यहाँ पे अभी मज़ा आने वाला है आप सबको। तो हमारी ये देख रहे हैं बच्चे, और इनके साथ झूमते हुए हमारी ये बहनें, और साथ में हम भी घूम रहे हैं। तो लास्ट में भी आप लोगों को खूब अच्छे से नृत्य करके दिखाएँगे सब लोग, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए, यहाँ पे एकत्रित हो चुकी भीड़, और आ चुके हमारी अतिथि लोग, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं मंच संचालन कर रही हूँ, तो साथ में यहाँ वीडियो मेरे को बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, तो चलिए आप लोग देखिएगा और अंत तक देखिए प्लीज इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फटाफट कीजिएगा। तो चलिए, अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा, और उसके पश्चात स्वागत करके हमारी यानी कि छोटी छोटी बच्चों के द्वारा स्वागत गीत अतिथियों के लिए गाया जाएगा। तो करती हैं पूजा हमारी माँ सरस्वती जी की, और उसके पश्चात कार्यक्रम के आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। पूजा अर्चना के बाद
प्रार्थना करेंगे, यानी हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत ही अच्छा रहा है आज का ये कार्यक्रम, बहुत ही मज़ा आया हम सबको, और हमारे इस मज़े में आप लोग भी बने रहिए और देखिए हमने क्या क्या किया है लास्ट तक, आप लोग को भी मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, गेम बाकी है, अभी योजनाओं के बारे में जानकारी बाकी है, तो हमारे साथ बने रहे हमारे वीडियो पे। स्वागत की अगली कड़ी में इस ग्राम की मितानी हमारी आशा बहन श्रीमती दुखिया चोरी, जिनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती नर्मदा बघेल। अरे कैसे आप आइए, हमारे गांव के बुजुर्ग माता जी कमलवती मंडाली, जिनका स्वागत मैं खुद करूंगी। चलिए हमारी मैडम के द्वारा विभाग के समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो सभी हितग्राही ध्यान से सुन रहे हैं और इस योजना का लाभ भी उठाएंगे और उठा रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे विभाग के माध्यम से। तो चलिएगा सुनते हैं मैडम की जुबानी। जानकारी हो रहा है कि महिला जागृति शिविर
महिला जागृति शिविर का मतलब है कि महिलाओं को क्या करना है, हमारे जो महिला बाल विकास की समस्त योजनाएं हैं उसके बारे में जगाना है, उसको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो। तो मैं अभी इस शिविर के माध्यम से हमारे विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में हम लोग बारी बारी से, हमारी कार्यकर्ता साथ में है तो हम लोग बारी बारी से जानकारी देंगे ताकि आप लोग उसका जो भी योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ ले सकें। तो अभी हमारे विभाग द्वारा बहुत सी योजनाएं जो महिलाओं के हित में संचालित की जा रही है तो इसी के बारे में हम लोग दिन भर जानकारी भी देंगे और आप सभी का खेलकूद का भी आयोजन होगा जिसमें कुर्सी दौड़ और मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता और कबड्डी भी होगा तो इसमें भरपूर आनंद लेना और बढ़िया उत्साह से खेलना। तो मैं मेरे से थोड़ा सा भूल हो गया था, क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ उपस्थित सभी माताओं का, मेरे छोटे छोटे बच्चों का और मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मैं तह दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उसके लिए बार बार धन्यवाद। दारू न पीना भैया, दारू न पीना बंदू, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना बंदू, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। जब कहना फिर क्या कहना, दर दर होगा सोना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना माल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अक्सर ये देखा जाता है जिसके घर में शराबी होते हैं, अगर उनको शराब के लिए पैसा नहीं मिलता तो गहना जबरदस्ती मार पीट करके झगड़ा करके अपने पति के गहना के लिए 7 माह हुए गर्भवती का बोध भराई कर रहे हैं और 6 माह पूर्ण की बच्ची की अन्नप्राशन विधि जो कर रहे हैं, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं अन्नप्राशन को बोलते हैं मुँह जूठरनी और इसको बोलते हैं सधौरी खिलाना गोद भराई को। तो ये सब कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। तो आइए यहाँ पे ये जो छोटे बच्चे हैं जिसको, और ये गर्भवती माता है जिसका गोद भराई किया जा रहा है और छोटा बच्चा है जिसका अन्नप्राशन आज इस जागृति शिविर में हमारे विभाग के द्वारा, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं जो हम जन जन तक जिनको लाभ लिया जाना है, जिनको पहुंचाया जाना है, जो हमारे हितग्राही हैं उन तक हम पहुंचाते हैं। हमारे विभाग हम के सभी योजनाओं को हम अपने हितग्राहियों तक पहुंचाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और बहुत सारे मातृत्व वंदना है, नोनी सुरक्षा है, सुकन्या योजना है और ये सारे बालिकाओं के लिए, खासकर बहुत सारे किशोरी बालिका योजना है। तो ये और एक है द्वितीय बालिका योजना जिसको जो 6000 की किस्त में दिया जाता है, एक ही बार 6000 दिया जाता है अगर उस महिला की दूसरी कन्या हुई तो इस प्रकार से बहुत ही सारी योजनाएं हैं जिस और दिया जाता है। ये जो कि हम गोद भराई कर रहे हैं वहाँ ये पैकेट दिख रहा है रेडी टू ईट, जिसका सेवन करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं गर्भवती माताओं को और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को और स्कूल आने वाले बच्चों को नाश्ता के रूप में, और पोषक माता को भी दिया जाता है क्योंकि वो दूध पिलाने वाली होती हैं, इसलिए उनको भी स्वस्थ रखने के लिए उनको भी ये पोषण आहार THR के रूप में साप्ताहिक वितरण किया जाता है।
यह हमारे विभाग की विभिन्न जानकारी कुपोषित बच्चियों के लिए, खासकर हमारा यह विभाग महिला और बच्चों के लिए ही है, क्योंकि हम अपना अपने हितग्राहियों का ध्यान जैसे किशोरी बालिका से लेकर के माँ बनने तक के हम ख्याल रखते हैं, यानी किशोरी बालिका को हम अच्छे से तैयार करते हैं, इसलिए उनको उनके लिए भी यहाँ पोषण आहार दिया जाता है, पूरा पोषण आहार दिया जाता है जो THR के रूप में दिया जाता है, उनको हम तैयार करते हैं। एक स्वस्थ माँ बनने के लिए क्या चाहिए, स्वस्थ माँ बनने के लिए स्वस्थ होना चाहिए लड़की, तो इसलिए हम किशोरी बालिकाओं को भी ये सब देते हैं। गोद भराई कर रहे महिला को हम ये बताते हैं कि गोद भराई का मतलब आपका गोद हरा भरा रहे, यानी खुशहाल रहे। हरा भरा जब रहेगा, जब माँ स्वस्थ रहेगी और बच्चा स्वस्थ बच्चा जनेगी, तो इसलिए हम ये गोद भराई करते हैं और उनको बताते हैं किस तरह से। आप लोग जैसे कि आपने देखा कि हम पहले ही प्रदर्शनी में दिखा है तिरंगा भोजन, इस तरह से स्थानीय चीज़ों को अपने भोजन में लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके पेट के अंदर पल रहे नया जो आने वाला शिशु है वो भी स्वस्थ रहे, इसलिए ये सब हम बताते हैं हितग्राहियों को। और इस छोटे बच्चे को बताते हैं कि जब से 6 माह पार होता है, तो उसके बाद 6 माह पूर्ण करने के बाद इसको, क्योंकि माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, तो इसलिए उनको उपयुक्त आहार के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए, हमारी बहनें हितग्राहियों के लिए, सारे आए मेहमानों के लिए ले आए हमारा विभाग का ये स्पेशल नाश्ता होता है, और बोले तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने से। इसमें है, आप देखिए, फली, चना, मूंग अंकुरित होता है, अंकुरित करके इसमें नींबू टमाटर वगैरह प्याज मिर्ची धनिया डाल के बनाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है इसका। तो चलिए, अब आते हैं गेम की तरफ, और मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता हो रहा है, देखते हैं बच्ची कितना मोमबत्ती जलाती है। गेम शुरू हो गया है हमारा, तो ये देखिए, ये बच्ची जला रही है मोमबत्ती। शायद 13 लगभग जलाई है। तो गाइस, अभी हम तैयार कर चुके हैं कुर्सी दौड़ की, और महिलाओं को हम कुर्सी दौड़ खिला रहे हैं। तो देखिएगा, आप लोग के सामने हम दिखाएंगे आप लोग को कुर्सी दौड़, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। ये कुर्सी दौड़ के लिए तैयार हो गए हैं प्रतिभागी, यहाँ पे 12 प्रतिभागी हैं, 13 प्रतिभागी हैं, और लगभग कुर्सी रखा, एक कुर्सी कम रखा जाता है इस खेल में। और इनको एक हम गाना चलाएंगे, छोटा सा क्लिप, और इनको चलाएंगे और जस्ट बंद करेंगे, वहाँ पे आके इनको बैठना है, जहाँ जो बच गया वो आउट हो गई, ऐसा होता है ये कुर्सी दौड़ का खेल। तो चलिए दिखाते हैं हम आप सभी को, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है ये सब। तो शुरू हो चुकी है हमारा कुर्सी दौड़ का गेम। चलिए, कुर्सी दौड़ का चल रहा है और बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग चलाया जा रहा है। तो हमारी ये बहन तो थिरकना छोड़ती नहीं है, जहाँ म्यूजिक चल जाता है तो बहुत अच्छा डांस करती है। और ये देखिए, साथ में हमको भी नचा रही है, मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। और सब साथ हूँ, अपने साथी लोग साथ हूँ, तो और भी आनंद का तो पूछिए ही मत, हम कितना मज़ा लेते हैं। क्योंकि ग्रुप जब रहता है तो आनंद आना तो लाजमी है। कैंडिडेट बच गए, देखते हैं इन पांचों में से कौन बाजी मारता है। चलो जी, बजा दो गाना। 13 में से 5 बज गए, 5 करते करते लास्ट हो जाएंगे, और जो 3 जो लास्ट में बचेंगे वही यहाँ ये विनर होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो चलिए देखते हैं चल रहा है कि इसके बाद बोले तो होगा हंडी फोर में होता है कि आंख बंद करके
डंडा पकड़ा के हंडी को निशाना करना होता है। ये देखिए बाहर हो गई। हम कर रहे हैं हंडी फोड़ कार्यक्रम, तो देखिए कैसे इन लोगों को आँख बंद किया जा रहा है और इनको आँख बंद करके ऐसा घुमा के छोड़ा जा रहा है और ये इनका निशाना है, टारगेट है ये हंडी जो दिख रहा है वो, और इसको इन लोग टारगेट करेंगे तो देखते हैं क्या ये मार सकती है। ये है हंडी फोड़, देखिए किधर जाके फोड़ेगी। उई 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 हो गई। ए ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो 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 लगा दे, लगा दे जोर। ले मार, देरी मत कर। हंडी इधर पहुंच गई उधर। करीब पहुंच गए रहे जी। ए कोई नहीं चिल्लाएगा, ए सब बस ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा सारा गेम होता है समाप्त और हमारी इस वीर हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे अब हम आते हैं। मतलब यहाँ पार्टिसिपेट किए हितग्राही जो जीते हैं खेल में खिलाड़ी, उनको हम इनाम यानि उनका पारितोषिक दे करके इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इनाम की ओर। उनको दिया जा रहा है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आए हुए हैं जो गेम में खेले थे, उनको हम हमारे विभाग के द्वारा हमारी मैडम लाई हुई है कुछ गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। सभी लोग आ रहे हैं। हेमा जय, आप तीनों आ जाइएगा। मोमबत्ती जलाओ, विजेता तो तीनों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे सभी यहाँ पे पहुँच गए। सभी विभागी और उनको मिलेगा ये गिफ्ट। और इसके बाद होगा हमारे महिला जागृति शिविर का समापन। सारी प्रतिभागी हैं जो इनाम के हकदार हैं, उन सबको दिया जाएगा अभी इनाम। हंडी फोड़ में है कौन है? सुंदी जैन और प्रतिमा मंडावी। तो चलेगा समस्त ग्रामवासियों और हमारे हितग्राहियों के सहयोग से अंततः ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। और आज का कार्यक्रम के समापन यहीं पे करते हैं हम, और हमारा वीडियो भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब क्योंकि शाम हो चली है और हम चलेंगे
अपने घर। तो ये बच्ची ले रही है इनाम। तो गाइस कैसा लगा वीडियो हमारा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकॉन की घंटी को भी दबाना मत भूलिए साथियों, क्योंकि आप लोग ये घंटी दबाएंगे तभी मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तब तक के लिए बाय बाय।